प्यारे भाइयों दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद तालिब खान है। आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं कि इस मौके पर मुझे आपके सामने कुछ कहने का अवसर मिला। मैं अपनी बात की शुरुआत राहत इंदौरी के एक खूबसूरत शेर के साथ करना चाहता हूँ कि अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति, सभ्यता, रंग रूप के लोग एक साथ रहते हैं। भारत की यही विशेषता भारत को सबसे अलग बनाती है। हम यूं तो हम सब जानते हैं कि लगभग 200 सालों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। यूं तो आजादी की लौ 1857 ईस्वी से शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े संकल्प के बाद हमें 1947 ईस्वी में आजादी मिली। लेकिन आज हम उस आजादी को भूले बैठे हैं। हम भूल चुके हैं कि हमें आजादी यूं ही नहीं मिली। और मेरी नजर में एक अच्छा और सच्चा देशभक्त होने के नाते हमारा सबसे पहला कर्तव्य राष्ट्र और राष्ट्रीयता होना चाहिए। राष्ट्र और राष्ट्रीयता ये दोनों अलग अलग पद हैं। राष्ट्र एक वस्तुगत सच्चाई है और राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो हम सबको एक साथ जोड़े रखती है। और जिस देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता खत्म हो जाए या दब जाए, उस देश का अस्तित्व बनाए रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें अपने वीरों की बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। मैं अपनी बात राहत इंदौरी के एक शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मेरी पेशानी पे लहू से हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा।